कढ़ी बनाने की रेसिपी बताते हैं। सबसे पहले हमने अजवाइन लेनी है, 5 ग्राम अजवाइन, 5 ग्राम जीरा लेना है, और हमने जो है नमक जो स्वाद अनुसार नमक, हल्दी लेनी है, और लाल मिर्च लेनी है, थोड़ा सा काला नमक भी लेना है, थोड़ा सा काला नमक और लाल मिर्च लेनी है, और ये दही है, लस्सी है, इसको इस दही की लस्सी बनाई है, और इस बेसन है, थोड़ा सा 50 ग्राम बेसन लेना है, वो बाउल में डाल लेना है, और दही भी लेना है, लस्सी, दही और बेसन। लस्सी में हमने जो साथ में हरा धनिया, मिर्च, प्याज, अदरक, कड़ी पत्ता और लहसुन, ये भी आप हमने सारा कुछ साफ़ करके रख लिया है और काट के रख लिया है धो के। अदरक ये पेस्ट है, और लहसुन का पेस्ट, लहसुन को पीसा हमने, और प्याज काट लिए, साथ में हरा धनिया काट लिया, और इसके साथ हमने हरी मिर्च उसको बारीक बारीक काट लिया, और आलू, थोड़े से आलू भी डालने हैं, पकौड़ों में आलू डालने हैं, वो भी काट लिए। अब हमने बेसन लेना है, एक कटोरी में 50 ग्राम बेसन ले लेना है, जो हमने प्याज काटे थे वो डाल देने हैं, अच्छी तरह से आलू, 2 आलू लिए हैं हमने, वो भी हमने पकौड़े में डालने हैं, अच्छी तरह से इसको इसका पेस्ट बना लेना है, और इसमें हरी मिर्च भी थोड़ी सी डाल लो पकौड़ों में, और इसको हरी मिर्च 2-3 हरी मिर्च स्वाद मुताबिक काट के डाल देनी है, और हरा धनिया साथ में, थोड़ा हरा धनिया भी डालना है, जो पकौड़े बहुत अच्छे लगते हैं, वो टेस्टी बनते हैं। इसमें हमने जीरा, अजवाइन, नमक डाल देना थोड़ा सा स्वाद मुताबिक, और अजवाइन भी डाल देनी है, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ी सी काली मिर्च जो हमने दिखाई थी आपको वो डाल देनी है, अच्छी तरह से इसको हमने पेस्ट बना लेना है इसका, अच्छी तरह से आराम से पानी डालना है थोड़ा सा, और आराम से इसको अच्छी तरह से फेंट लेना है, फेंटने से जो पकौड़े हैं बहुत नरम बनते हैं। ये हमारा हमने कढ़ाई रखी, फ्राई पैन में थोड़ा सा तेल डाला और पकौड़े निकाल लिए, आराम से थोड़े थोड़े पकौड़े, ये जो पेस्ट बनाया था हमने बेसन का, ये पकौड़े डालते जाने हैं, हमारे पकौड़े बन रहे हैं, ये कढ़ी में डालेंगे, जब कढ़ी हमारी बन जाएगी तो ये पकौड़े डालेंगे, आराम से बनते जाएंगे, डालते जाएंगे थोड़े थोड़े तेल के अकॉर्डिंग, हम थोड़ा थोड़ा ये पकौड़े डाल देंगे अच्छी के साथ, ये हमारे पकौड़े बन रहे हैं, आराम से धीमी आंच से बनाने हैं, तेज तेज गैस को थोड़ा सा कम कर देना है, आराम से इसको पलट देना है। अब हमारे जो पकौड़े हैं जो तैयार हो रहे हैं, और काफ़ी नरम बनते हैं, आराम से धीमी आंच से फेंट के बनाए हैं, ये हमारे पकौड़े तैयार हो गए। ये पहले हमने पकौड़े निकाल लेने हैं, उसी तेल में फिर हम सारा ही मसाला भूनेंगे, ये हमारे पकौड़े बन गए, ये कढ़ी में डालेंगे, और अब हम फिर एक बर्तन में बेसन लेंगे, लस्सी लेंगे, लस्सी में ये लस्सी जो है ना वो हम बेसन में डाल देंगे, अच्छी तरह से ये लस्सी के साथ हम बेसन को का घोल बना लेंगे, अच्छी तरह से फेंटते जाएंगे, लस्सी के साथ हमारा जो बेसन है अच्छी तरह से घुल जाता है, अच्छी तरह प्यार से इसको घोलते जाना है आराम से, और इसकी जो है गोली है ना वो नहीं बनने देनी। अब हमने जो लहसुन था जिसको हमने ग्राइंड किया था वो तेल में डाल देना है, लहसुन सबसे पहले हमने तेल में लहसुन को अच्छी तरह से लाल कर लेना है, अच्छी तरह से भून लेना है, ताकि इसकी जो टेस्ट है ना फिर बहुत बनता है, कच्चा बेसन लहसुन जो है वो नहीं, उसका टेस्ट नहीं बनेगा, लहसुन को हमने अकेला पीस लिया था, ग्राइंड कर लिया था, फिर जो हमारा लहसुन तैयार हो गया हमने प्याज डाल देने हैं, जो हमने प्याज काटे थे वो डाल देने हैं, प्याज काटे हुए
इसको अच्छी तरह से हमने लहसुन पका के फिर प्याज डालने हैं। जो लहसुन है इसमें ही अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। इसके बाद हमने अदरक डालना है, छोटा छोटा अदरक काटा था वो डाल दिया। अदरक डालने के बाद हमने इसमें जीरा डालेंगे, थोड़ा सा जीरा 5 ग्राम जीरा डाल देंगे, तो इसमें अच्छी तरह से इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। और इसके बाद हम कड़ी पत्ता डालेंगे, कड़ी पत्ता कड़ी में कड़ी पत्ता डालते हैं तो इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। ये कड़ी पत्ता 3-4 पत्ते डाल देने हैं, पेड़ में से उतार के ये इसको डाल देना है। इसका भी फिर खुशबू बहुत अच्छी तरह से आती है। और इसको हमने भून लेना है, आराम से भून लेना फ्राई पैन में। इसके हम बाद हम मिर्च डालेंगे, हरी मिर्च काटी थी, थोड़ी सी हरी मिर्च हम पकौड़ों में डाल ली थी। अब हल्दी डालेंगे, हल्दी डाल दी हमने। ये हमारा मसाला जो है वो तैयार हो रहा है। थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ा सा नमक, काली मिर्च, नमक, ये भी अच्छी तरह फेंट के, जो हमारे हमने फेंटा था ना बेसन और लस्सी इसका घोल बनाया था वो डाल देना है। इसको अच्छी तरह से फिर फेंट देना है। बेसन का घोल डाल दिया, लस्सी में जो फेंटा था हमने। अब हमने कुकर में जो सारा मसाला है जो मिक्स किया था, मसाले में बेसन डाला था, लस्सी डाली थी, उसको अच्छी तरह से उसका घोल जो है कुकर में डाल देना है। कुकर में डाल दिया अच्छी तरह से, ये बेसन पक जाता है। वैसे तो कढ़ाई में भी हाँ, अब हम दही डालेंगे, थोड़ा सा दही, दही को भी अच्छी तरह फेंट लेना है। पहले लस्सी में बेसन डाला था, लस्सी और बेसन का घोल बनाया था, थोड़ा सा दही भी डाल देना है। दही से जो कढ़ी है और भी टेस्ट बन जाती है। हाँ, पानी डालना है, 1 कटोरी पानी डाल देना है मिक्सर में। तो इसको हमने 1-2 विसल बजा देनी है, कुकर बंद करके 2 विसल इसकी लगा देनी है। 2 विसल बज जाएगी आराम से, धीरे धीरे। ये हमने फिर 2 विसल के बाद खोल लेना है, कुकर को खोल के पकौड़े डाल देने हैं। जो हमने पकौड़े निकाले थे, जो हमारी कढ़ी बन गई है, बनने के बाद हमने पकौड़े डालने हैं। हरा धनिया डालना है थोड़ा सा, जो काटा हुआ हरा धनिया था वो डाल दिया, और हमारी जो कढ़ी है वो तैयार हो गई। अब हम इसमें मक्खन डालेंगे, कढ़ी में थोड़ा सा मक्खन डालने से जो बेसन है उसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। अब हम इसको कटोरी में डालेंगे और खाएंगे, और टेस्ट बहुत अच्छा बनेगा। इसमें हमने कटोरी में डाल के खाना है, और थोड़ा सा मक्खन डाल दो, मक्खन डालने से कढ़ी और भी टेस्ट लगती है और स्वाद लगती है।